नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज गिवन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दे रखा है, पूछ क्या रखा है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू 20। जीरो से लेकर 20 तक एक्सेलरेशन हमें पूछ रखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास थीटा, तो ये क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास 20 बाय में 20 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू 20 में सेकेंड पार्ट में पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम टी इक्वल टू 20 टू टी इक्वल टू 30। 20 से 30 तक एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये क्या है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जीरो। सेकेंड पार्ट में टी इक्वल टू 20 टू टी इक्वल टू 30 में एक्सेलरेशन क्या है जीरो, बिकॉज वेलोसिटी क्या है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय में 10 टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जीरो। थर्ड पार्ट में पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम टी इक्वल टू 30 टू टी इक्वल टू 40। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 30 से लेकर 40 तक एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज ये बन जाएगा हमारे पास थीटा, यानी कि 60 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा हमारे पास 10। 60 डिवाइड बाय में 10 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। फोर्थ पार्ट में पूछा गया है हमें एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी टी इक्वल टू 40 टू टी इक्वल टू 80। फोर्थ पार्ट में टी इक्वल टू 40 टू टी इक्वल टू 80 में एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, टी इक्वल टू 40 टू 80 यानी कि 80 बाय 80 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 80 बाय 40 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस का आएगा क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि नीचे की तरफ थीटा बन रहा है, तो क्या रहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले पार्ट में पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम, फिफ्थ पार्ट में पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज किस टाइम में हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजिंग किस टाइम में हो रही है हमारे पास, टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू 20, टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू 20 और टी इक्वल टू 30 टू टी इक्वल टू 40। इस टाइम पे हमारे पास क्या हो रही है इंक्रीजिंग हो रही है, ऊपर की तरफ थीटा बन रहा है, तो दैट इज द, तो हमारे पास ये बन गया। अगले पार्ट में पूछा गया वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजिंग फ्रॉम, सिक्स पार्ट में पूछा गया वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजिंग किस टाइम में हो रही है, टी इक्वल टू 40 टू टी इक्वल टू 80 में, टी इक्वल टू 40 टू टी इक्वल टू 80 अगला क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट किस टाइम में है, टी इक्वल टू 20 टू टी इक्वल टू 30 तक, टी इक्वल टू 20 टू टी इक्वल टू 30 तक वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या है हमारे पास कांस्टेंट।